वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक इंडियन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम वीडियो लाए हैं जिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने मोबाइल में जस्ट सेटिंग करके अपने डेटा को बहुत बहुत ज़्यादा बचा सकते हो, क्योंकि हमारी जो आजकल की नेट बहुत तेज़ चलती है, जिसकी वजह से जो इंटरनेट डेटा है वो बहुत खाता है। हमारी 1.5 GB की इंटरनेट डेटा है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, आज हम बताएंगे कुछ ऐसे तरीके जिसको करने से आप अपने फ़ोन की डेटा को बचा सकते हैं, इंटरनेट डेटा को बचा सकते हैं और पूरे दिन इंटरनेट चला सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता देते हैं, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस साथ ही उसके बेल आइकन पर जरूर दबाना, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, उसके साथ ही कमेंट कर देना। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे तीन तरीके जिस तरीके से आप अपने डेटा को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है, आजकल हम लोग सारे क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते जाते थे, तो आपको नॉर्मली क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र के जाने के बाद यहाँ पे जो थ्री डॉट पे आपको क्लिक करनी है। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद एक प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा एडवांस के अंदर, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपको क्या है, क्लियर ब्राउजिंग डेटा करने हैं। यहाँ देखोगे बेसिक यहाँ सारे सिलेक्ट करने, तीनों अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मली इसको ऑल टाइम करने हैं। और एडवांस में जाना है, एडवांस में भी ऑल टाइम करने और सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने। सिलेक्ट करने के बाद आपको नॉर्मली जाके सबको सिलेक्ट करने और नॉर्मली जाके क्लियर डेटा पे क्लिक करने। क्लियर डेटा में क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्लियर डेटा में क्लिक करोगे तो सारे जो आपके बैकग्राउंड में डेटा ले खाते थे, ये दूसरे साइट खोले रखे थे, वो सारे डेटा खाना बंद हो जाएगा और डेटा कंज्यूमिंग बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी डेटा जो है ज़्यादा खाएगी नहीं। सो दोस्तों, ये काम करने थे आपको क्रोम ब्राउज़र में। और एक काम आपको करना है क्रोम ब्राउज़र में, वो क्या, अपने फ़ोन को लाइट मोड में जरूर करना है। लाइट मोड में कर लोगे तो क्या होता है, लाइट और हाई में आपको बहुत ज़्यादा डेटा खाएगा और लाइट मोड में उतना ज़्यादा डेटा नहीं खाएगा, तो जिससे आपकी डेटा काफ़ी ज़्यादा बच जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं हम दूसरे सेटिंग के बारे में। आजकल हम लोग फेसबुक तो सारे चलाते हैं, तो दूसरे सेटिंग में यह कि फेसबुक में इतने हाई डेफिनेशन के वीडियो आते हैं, नॉर्मली इतने HD फोटोज आ जाते हैं आजकल, जिसके चक्कर में कि मेरा पूरा डेटा खा जाता है। और फेसबुक चलाओ 2 घंटे 3 घंटे तो लगता है 500-700 MB ऐसे ही उड़ जाता है। तो बात करते हैं आप कैसे अपने डेटा बचा सकते हो। तो नॉर्मली थ्री डॉट पे आप इसमें भी क्लिक करनी है। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद एक डेटा सेवर का ऑप्शन आया है, तो डेटा सेवर के ऑप्शन में क्लिक करना और डेटा सेवर को ऑन कर देना है। इसके बाद डेटा सेवर को जैसे ऑन करोगे, इसके बाद फिर थ्री डॉट में जाना है, उसके बाद भी सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है, फिर आपको जाना सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा मीडियन कंटेक्स्ट का। मीडियन कंटेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए वीडियोस, न्यूज़ फीड विद साउंड इन द ऐप, ये सब कर सकते हो। लेकिन ये जो है अल्ट्रा वीडियोस इन HD, इसको अगर आपका ग्रीन टिक है तो इसको बंद कर देनी है, इसको आपको बंद कर देनी है। और जो ऑटो प्ले है इसको भी आपको नेवर ऑटो प्लेज में क्लिक करनी है। नॉर्मली आपका रहेगा ऑन मोबाइल डेटा एंड वाईफाई और कनेक्शन, तो इसमें नेवर ऑटो प्लेज वीडियो को आपको ऑन कर देनी है। और ऐप अपडेट्स जो है वो आपको नहीं करना, ऑटो ऐप अपडेट नहीं करना, डायरेक्ट जाके आपको प्ले स्टोर से ही जाके इसको अपडेट करनी है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं तीसरे सेटिंग की। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसका हमको ज़रूरत ही नहीं है और वो बैकग्राउंड में डेटा लेते रहता है, या फिर बहुत कम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, जैसे हम ये एग्जीगो ट्रेन वाली ऐप बहुत कम यूज़ करते हैं, जब ज़रूरत पड़ी तभी। तो इसमें आपको करना ही क्या, नॉर्मली ऐप इन्फो में जाने हैं। ऐप इन्फो में जाने के बाद इसमें नोटिफिकेशन जो है मैनेज नोटिफिकेशन में क्लिक करना है। इसमें अलाउ नोटिफिकेशन जो है इसमें डायरेक्ट बंद कर देनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत देता है जिसका वजह से नेट भी खाता है। तो ऐसे जितने भी ऐप्स हैं आपके पास जिसको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, उसमें जाके सेम चीज़ करनी है, चाहे कोई भी ऐप है जो आपके डेटा कंज्यूम कर रहा है। तो दोस्तों, ये तीन सेटिंग आपको करनी है। ये तीन सेटिंग करने के बाद आपकी जो डेटा है बहुत कम खाएगी और आप अपना इंटरनेट जो पैक है वो पूरा दिन चला लोगे फिर भी डेटा पैक ख़त्म नहीं होगी। होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, और इस पसंद आई तो एक लाइक कर देना दोस्तों, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन का जरूर दबाना। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।